हमारा नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट। सो बार चार्ट के अंदर में आप देखे रहेंगे कि आप जिस तरह से हम पहले बचपन में ड्रॉ करते थे ग्राफ के ऊपर, तो बार चार्ट उस इसी तरह का है कि ओवरऑल कोई प्रोडक्ट ए बी सी का है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है, राइट, उस उसको डोनेट करने के लिए यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है बेसिकली ये, तो शोज द डिफरेंट शिप मोड। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो डेटा है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो सेल्स हुआ है वो सबसे ज्यादा कौन से मोड से सेल्स हो रहा है ई-कॉमर्स का, इकोनॉमी या इकोनॉमी प्लस, प्रायोरिटी और इमीडिएट। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने चार वे रखा है जहां के थ्रू कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। इकोनॉमी मतलब हो सकता है जहां पे कोई आपको डिलीवरी का चार्जेस ना लगे, इकोनॉमी प्लस में शायद आपको डिलीवरी 50 रुपए हो, प्रायोरिटी अगर आपको नहीं 2 दिन में ही चाहिए तो उसके ऊपर कंपनी ने 150 रुपया कर दिया रहेगा, और इमीडिएट के रहेगा तो उसके ऊपर हाइयर चार्जेस रहेगा। तो इस तरह से कैटेगरी किया है। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स या सेल्स होते हैं वो इकोनॉमी के थ्रू, इकोनॉमी प्लस के थ्रू, तो ये बार चार्ट आपको रिप्रेजेंट करता है। अब इसका लाइव समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले से डेटा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बार चार्ट का। यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको बार चार्ट ले लेते हैं, राइट, यहाँ पे बार चार्ट लेकर के इसको हम जूम कर देते हैं। इसमें क्या क्या डेटा है, आपका वाई एक्सिस में शिप मोड है, एक्स एक्सिस में सम ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे मैं शिप मोड ले आता हूँ, शिप मोड को हम वाई एक्सिस में डाल देते हैं, और क्या है इसके अंदर में आपका सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स को हम एक्स एक्सिस में डाल देते हैं। यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं सिंपली एक्स एक्सिस में, राइट। सो यहाँ पे मुझे इकोनॉमी दिखा रहा है, राइट, कि इकोनॉमी से आपका जो ओवरऑल सम ऑफ सेल्स कितना हुआ है, राइट, सेल्स कितना हुआ है, इकोनॉमी प्लस से कितना हुआ है, ये आपका टोटल मिलता है। ये ऑल ईयर के लिए आप चाहो तो कोई भी पर्टिकुलर ईयर का चेक कर सकते हो, 2012 का, 13 का, आप जैसा चाहो वैसे चेक कर सकते हो, या आपको किसी रीजन का चेक करना है साउथ में ईस्ट में, तो आप ये काफी आसानी से पता चल जाता है कि सेंट्रल से ज्यादा बिजनेस आ रहा है कि नॉर्थ से ज्यादा आ रहा है कि साउथ से आ रहा है, तो यू कैन डिराइव कर सकते हो बार चार्ट का। और ये जो ऊपर में हम आगे समझेंगे कैसे होता है।